अगर हम चाहते हैं कि हमारी किचन सुंदर दिखाई दे तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि हमारी किचन में जो सामान पड़ा है, जो आइटम्स रखी हुई है, हम उनके कवर बना लें। तो ऐसे ही मैं आज आपके साथ अपनी किचन की दो आइटम्स के कवर बनाने जा रही हूँ। उनके लिए कवर बनाने के लिए हमारे पास जैसे कोई पुराना दुपट्टा हो जिसकी कंडीशन थोड़ी दिखने में अच्छी लग रही है, दुपट्टा हो, साड़ी हो, लेकिन ऐसा है कि दुपट्टा जब साड़ी हम यूज़ करते हैं तो उसके नीचे हमें लाइनिंग लगानी पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं दुपट्टा ऐसे हल्का होता है, इसके नीचे फिर हम लाइनिंग लगाएंगे। जहाँ साड़ी भी यूज़ कर सकते हैं उसके नीचे भी हमें लाइनिंग लगानी पड़ेगी। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई आपके पास पुरानी बेडशीट पड़ी हो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेडशीट के ऐसा है कि बेडशीट के नीचे हमें कोई लाइनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बेस्ट रहेगा, हमें ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता। कोई अच्छी बेडशीट हो, ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, कोई अच्छा छोटा छोटा प्रिंट हो उसे हम यूज़ करेंगे। तो ऐसे एक मेरे पास ये कर्टन पड़ा हुआ है, ऐसे आपके पास भी कोई पुराना कर्टन हो उसे यूज़ कर सकते हैं। बेडशीट, कर्टन, जो भी हम यूज़ करें, लेकिन ये कोशिश रखें कि उसमें जो कोई प्रिंट है वो छोटा हो, छोटा दिखाई दे। तो इसीलिए मेरे पास ये कर्टन है, मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी देर से ऐसे पड़ा था तो आज मैं किचन की आइटम बनाने के लिए, जो आइटम के कवर बनाने वाली हूँ उसके लिए यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो इसके बीच रॉड निकालने के लिए फोल्ड किया था ऊपर से कर्टन, उसको मैं खोलती हूँ, जो सिलाई लगी हुई है उसको खोल रही हूँ सबसे पहले मैं। तो इसका मैं बनाने जा रही हूँ फ्रिज का कवर। एक्चुअली मैं फ्रिज का सारा कवर नहीं बनाऊँगी, मैं जस्ट जो ऊपर की साइड कवर होता है फ्रिज के ऊपर वो वाला बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने फ्रिज के ऊपर और दोनों साइड जितना जितना उसे नीचे की साइड बढ़ाना है उतना रख कर मैंने मेज़र कर लिया है, और ऊपर की साइड जो उसकी मुझे चौड़ाई चाहिए वो भी मैंने ऊपर से इंची टेप के साथ मेज़र किया हुआ है। तो वो मेरी फ्रिज के ऊपर 21 था तो मैं 22 रख कर ऐसे निशान लगा रही हूँ, उसकी चौड़ाई ले रही हूँ जो ऊपर फ्रिज के ऊपर आने वाली है। एक इंच हमें बढ़ाकर रखना है दोनों साइड फोल्ड करने के लिए। तो लेंथ भी मैंने 45 आई है मेरी, तो मैं उसे 46 लूँगी, एक एक इंच बढ़ाकर लूँगी क्योंकि मुझे अंदर की साइड फोल्ड करना है कपड़े को। वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको कितना लंबा चाहिए, दोनों साइड आप कितना कितना कवर को नीचे लाना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ऐसे मैंने उसकी चौड़ाई काट ली। तो अब मैं इस कर्टन को खोलकर इसकी लेंथ भी काट लेती हूँ। ये लेंथ जो है वो मुझे 45 चाहिए तो मैं 46 काटने वाली हूँ एक इंच बढ़ाकर। तो ऐसे मैं इस पीस से लेंथ काट लूँगी। उसे काटने के बाद उसी पीस को, जो मैंने पीस काटा हुआ है उसको चारों साइड्स पर मैं ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। जहाँ पर ये मुझे चारों साइड्स पर ऐसे कपड़े को फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा देनी है मशीन के साथ। अब मेरी चारों साइड पर जो सिलाई लग गई है, जो फोल्ड करने की मैंने सिलाई लगानी थी, तो इसे लगाने के बाद अब मैं एक और पीस ले रही हूँ जो मैं 22 फिर उसकी चौड़ाई ले रही हूँ और लेंथ ऐसे मैं 9 इंच ले रही हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितनी भी चाहिए, लेकिन जो चौड़ाई है वो हम वैसे ही लेंगे जैसे हम फ्रिज के कवर के ऊपर से चौड़ाई ली है। आप देख सकते हैं मैं उस कवर पर आपको रख कर बता रही हूँ कि हमें जो चौड़ाई चाहिए वो वैसी चाहिए, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अब ऐसे मैं इसको भी चारों साइड से पहले फोल्ड कर लेती हूँ। मुझे इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है मशीन के साथ। तो अब मैंने चारों साइड्स इसे फोल्ड कर लिया है, सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसे इक्वली 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर रही हूँ और निशान लगा रही हूँ। मैं तीनों में सेम डिस्टेंस रखूँगी और निशान लगा लूँगी। अब ऐसे मेरे पास फैब्रिक पड़ा है ग्रीन कलर का, मैं उससे छोटी छोटी ऐसे ब्रीक ब्रीक सी पट्टियाँ निकालूंगी। लेंथ जैसे भी मेरे पास कपड़े की पड़ी हुई है वैसी मैं लेंथ काट रही हूँ, लेकिन ब्रीक ब्रीक सी पट्टियाँ निकालनी है मुझे। तो ऐसे मुझे काफ़ी सारी चाहिए थी तो मैंने उतनी काट ली हुई है।
तो अब मैं ऐसे एक पट्टी के ऊपर जो मैंने काटी हुई है एक के ऊपर एक रख कर ऐसे सिलाई लगा लूँगी। सभी को मुझे आपस में जोड़ देना है ताकि जो एक लंबी सी पट्टी बन जाए। तो अब उसे मशीन के साथ मैंने जोड़ लिया हुआ है सब पट्टियों को आपस में। तो अब मैं ऐसे थोड़ा फोल्ड करते हुए उसके ऊपर आयरन कर रही हूँ, ऐसे वो जब हम प्रेस करेंगे वो सेट हो जाएगी। मैं इसे फोल्ड कर कर ये कर रही हूँ क्योंकि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा जब हम इसे यूज़ करने वाली हूँ मैं जहाँ पर। तो अगर आपके पास जो आप यूज़ कर रहे हैं कवर बनाने के लिए उसके बीच कोई प्रिंट है या जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग लेस वगैरह हो आपके पास तो आप इस सबको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास उससे मैच होती कोई लेस नहीं थी तो इसीलिए मैं लेस टाइप ही ऐसी एक डोरी सी बना रही हूँ जो उसके ऊपर लगाने वाली हूँ। तो अब मैंने सारा प्रेस के साथ उसे फोल्ड कर लिया था। तो अब हमें जहाँ पर मैंने जिस पीस के डिवाइड किया हुआ था तीन पार्ट में उसके जहाँ पर निशान लगाए हुए हैं वहाँ पर उस जो मैंने पट्टी बनाई हुई है जो लेस की जगह लगाने वाली हूँ उसको रख कर एक साइड ऐसे पहले सिलाई लगाऊंगी फिर दूसरी साइड लगाऊंगी। अब मैं दूसरी साइड लगा रही हूँ। अगर आपके पास लेस है तो आपको जस्ट एक ही सिलाई लगानी पड़ेगी, आप सारी जो मैंने ग्रीन के साथ जी बनाया है सारा स्किप कर सकते हैं, जस्ट आप लेस लगा लीजिए। तो अब मैंने दोनों जो मैंने तीन पार्ट में उसे डिवाइड किया था बीच में दो जगह लगनी थी वो भी मैंने ग्रीन लगा दी हुई है। अब ऐसे सेम ग्रीन लेस जो है वो मैं ऊपर की साइड भी लगा रही हूँ। तो अब जो मेन फ्रिज का कवर मैंने बनाना है जो पहले तैयार किया हुआ जिसको फोल्ड किया है उसको लेती हूँ, उसके ऊपर जो जहाँ पर आप लेस लगा कर आई हूँ आप देख सकते हैं मैंने कहाँ कहाँ लेस लगाई हुई है ग्रीन। तो अब जो तीन साइड बची है साइड्स और नीचे वहाँ पर मैं उस कवर के साथ इसे सिलाई कर देती हूँ। अब मैं दोनों को आपस में सिलाई कर रही हूँ मशीन के साथ, जो बड़ा कवर था पहले मेन उसके ऊपर जो छोटा तैयार किया वो रख कर ऐसे सिलाई लगा रही हूँ साइड पर। ऐसे तीनों साइड सिलाई लगाने के बाद अब मैं जो मैंने ग्रीन लेस लगाई हुई है बीच में लगाई थी जहाँ पर मैंने तीन जगह डिवाइड किया था तो अब मैं उसके बीच बिल्कुल जो लेस है उसके बीच सेंटर में सिलाई लगा रही हूँ। जे मैं दोनों पीस जो नीचे पीस है और ऊपर जो मैंने लगाया हुआ है दोनों को सिलाई कर रही हूँ। जे आप जहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे शो हो रहा है आपको, नीचे वाला कवर और ऊपर जो मैंने छोटा कवर तैयार किया था पीस किया था उसको आपस में अटैच कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने कैसे सिलाई लगाई है। तो अब जे ऐसे तीन पॉकेट तैयार हो गई। अब तीनों पॉकेट तैयार हो गई जैसे मैंने उस साइड बनाई, ऐसे भी अगर मैं चाहूँ तो बना सकती हूँ लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी यूज़ नहीं होगी। मैं आपको आगे दिखाती हूँ मैं क्यों नहीं दूसरी साइड जो पॉकेट लगा रही। तो अब मैं बाकी की साइड पर भी मैंने जो ग्रीन लेस लगाई हुई है सारे कवर पर मैंने लगा दी। तो अब मेरा जो फ्रिज का ऊपर का कवर बनाना था वो बनकर तैयार है, मैंने उसको फ्रिज के ऊपर रख दिया है। अब इसके बीच जो मैंने पॉकेट बनाई हुई है वहाँ पर हमें कोई नोट पैड पेन जैसे ग्रॉसरी वगैरह नोट करने के लिए हमें रखने हो वो उसके बीच डाल सकते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह हो जैसे मुझे सुबह सुबह एक टैबलेट लेनी पड़ती है वो हम इसके बीच रख सकते हैं, ऐसा कोई भी और भी सामान आप जैसा भी चाहें वो रख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको साइड से थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। ने इसको साइड से इसलिए लंबा रखा क्योंकि हमारी जो फ्रिज है वो काफ़ी लंबी है, अगर आपकी नॉर्मल साइज़ की फ्रिज है तो आप इसका साइज़ थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जहाँ पर बता रही हूँ जो मैंने कहा था मैंने दूसरी साइड पॉकेट क्यों नहीं लगाई क्योंकि वो वॉल के साथ लगी हुई है फ्रिज, वो पॉकेट मेरी यूज़ नहीं होने वाली थी इसीलिए मैंने नहीं लगाई। तो आप चाहे तो आप दूसरी साइड भी ये पॉकेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ माइक्रोवेव का कवर। तो सेम वही कर्टन का फैब्रिक ले रही हूँ मैं, फैब्रिक को मैं माइक्रोवेव पर डालकर देख लेती हूँ मुझे दोनों साइड और ऊपर का इतना साइज इतना कपड़ा चाहिए इतनी लेंथ चाहिए, ऐसे हम दोनों साइड प्रॉपर आना चाहिए। तो एक इंच हम उसे एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि दोनों साइड हम फोल्ड कर लें। तो मेरा ऑलरेडी जो लेंथ है वो बिल्कुल ठीक ही आई है, ऊपर भी और साइड्स पर भी प्रॉपर ही है। तो ऐसे साइड्स पे भी अब चेक कर लूँगी, मुझे ये दोनों साइड इसे फोल्ड करना है उतनी चढ़ाई मैं रख कर इसे काट लेती हूँ। ऐसे सेम ही हम फ्रिज का भी जो कवर बनाया उसका साइज भी ऐसे ले सकते हैं जितना हमें उसे साइड पर रखना और ऊपर रखकर उसे कार्ड लिख सकते हैं। तो अब मैं उस कवर को मैंने फोल्ड कर लिया है चारों साइड से, फोल्ड करके मैंने फिर से माइक्रोवेव पर रखा हुआ है उस कवर को। तो अब जो उसके कॉर्नर है माइक्रोवेव के फ्रंट वाली साइड मैं वहाँ पर निशान लगा रही हूँ कपड़े के ऊपर।
जहाँ पर मैं वो कपड़े को फोल्ड कर चुकी हूँ मशीन के साथ मुझे जो सिलाई करनी थी। तो अब कॉर्नर पर मैं पेन के साथ निशान लगा रही हूँ। तो दोनों निशान लगाने के बाद मैंने एक और कपड़ा लिया हुआ है जो डोर का आगे कवर बनाना है, उसको मुझे ऐसे डोर के आगे रख कर चेक कर लेना है जितना वो है, उससे थोड़ा बढ़ा कर रखूँगी क्योंकि मुझे इसे भी फोल्ड करना है। तो उसे मैंने फोल्ड करके उसके ऊपर वही ग्रीन सेम लेस जो मैंने पहले बनाई हुई है उसे लगा दिया। तो एक साइड मैंने उसे नहीं लगाया, तीन साइड मैंने लेस लगाई हुई है। तो अब जो मैं वो लेस बनाई हुई है उसका एक पीस ले रही हूँ, उसको बीच से फोल्ड कर रही हूँ जैसे मैंने पहले उसे आयरन के साथ फोल्ड किया था, वो उसे मैं फिर से एक बार फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके ऐसे मैं सिलाई लगा लूँगी। इसे मैं एक डोरी से टाइप बना रही हूँ। आप वैसे भी जैसे हम रेप डोरी बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट इसी से चला रही हूँ। उसको बीच से फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब मुझे जितनी डोरी बनानी थी बनाकर उसे बीच से दो पीस करके काट लेती हूँ। तो उसे मैंने दो पीस काट लिए। तो अब मैंने ऐसे और ग्रीन कपड़े के दो पीस, छोटे छोटे और पीस काटे हुए हैं, इनको ऐसे बीच से मैं फोल्ड करूँगी तो सेंटर से काट दूँगी। उन दो पीस से मैंने ऐसे चार पीस बना लिए बीच से काट कर। तो अब मैं ऐसे सीधी साइड पर उस जो मैंने पाइपिंग की एक छोटी सी डोरी सी बना ली है उसे रख कर तो दूसरी साइड ऐसे मैं सिलाई लगा दूंगी। ये देख सकते हैं मैंने सीधा जो कपड़ा है उस पर डोरी को रखा हुआ है जो मैंने फोल्ड करके बीच से बनाई हुई है। तो अब दूसरी साइड मैं ऐसे सिलाई लगा दूंगी। अब इसे सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह उनको काट देते हैं। तो ऐसे एक छोटा सा फूल सा बन जाएगा जो मैंने डोरी बनाई है उसकी दोनों साइड पर मैं ऐसे फूल लगाऊंगी। अब मैं जहां पर आपको फिर से बता रही हूं, हमें सीधा कपड़ा लेना है उसके ऊपर डोरी रखनी है ऐसे। तो जैसे अब हम इसे फोल्ड करेंगे जहां पर फोल्ड किया है वहां पर सिलाई लगा देंगे तो इसे सीधा करके हम वो फूल बना लेंगे। तो अब मैंने जो मेन माइक्रोवेव का ऊपर से लेंथ काटी हुई है उसको ले रही हूँ। तो मैंने जहाँ पर निशान लगाए थे कॉर्नर के, ये निशान लगे हुए हैं, जहाँ पर निशान लगे हैं उसके थोड़ा आगे मैं अब जो डोरी बनाई हुई है जिस पर मैंने छोटे छोटे फूल लगाया वो रख रही हूँ। दूसरी साइड भी मैं ऐसे रखूँगी, जहाँ पर निशान लगे हैं वो सेम डिस्टेंस रखूँगी दोनों साइड से मुझे कहाँ कहाँ डोरी रखनी है। तो अब जो माइक्रोवेव का आगे डोर का कवर बनाया हुआ है उसको आगे रख कर जहाँ पर निशान लगे, वो निशान मैंने इसीलिए लगाए थे कि मुझे जहाँ पर डोर का कवर लगाना है जो आगे आने वाला कवर है वहाँ निशान तक ऐसे मैं सिलाई लगा दूँगी ऊपर ऐसे रख कर। जहाँ पर आप डोरी का ज़रूर ख्याल रखिए, मैं डोरी कैसे फिक्स कर रही हूँ, पहले मैंने कपड़ा रखा है उसके ऊपर डोरी रखी है, फिर उसके ऊपर डोर का कवर रखा है, फिर सिलाई लगानी है। तो मैंने ऐसे तीनों को आपस में सिलाई लगा कर अटैच कर दिया है। अब मुझे जो पीछे का माइक्रोवेव का कवर है उस पर भी ग्रीन सेम लेस लगा देनी है चारों साइड्स पर। तो अब मेरी वो सारी साइड्स पर ग्रीन लेस लग चुकी है और माइक्रोवेव का कवर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, देखिए नीचे से भी बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई आगे पीछे नहीं, ऐसा नहीं कोई एक पीछे का छोटा या बड़ा, सेम मैंने लेंथ भी हमें सेम रखनी है, ये बातों का हमें ख्याल रखना है। और साइड से भी देखिए कितना फिक्स आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो चुका है मेरा जो कवर मैंने बनाया उस डोर का कवर भी। तो अब मैं बताती हूँ मैं जो डोरी बनाई हूँ किस काम के लिए बनाई है। ऐसे अगर हमें जब कवर को उठाना होगा हम उसे फोल्ड करके, वो डोरी जो बनाई थी उसका एक पार्ट ऊपर था एक नीचे दिया था मैंने, जो आपको बताया था कि हमें ऐसे लगानी है, तो उससे हम उसको फोल्ड करके बांध देंगे जहाँ पर। तो अगर आप चाहें तो देखिए जैसे मैंने फोल्ड किया हुआ है हमें डोर खोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो ऐसे अगर हम चाहे तो इसको फोल्ड करके ऊपर भी बांध सकते हैं, अगर हम चाहे तो इसको डोर के आगे भी रख सकते हैं, जब हमें इसे डोर यूज़ ना करना हो तो इसे कवर को हम खोल भी सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो अगर आप चाहे तो इस डोरी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे भी अगर चाहे तो इस डोर का जो आगे कवर लगाया हो इसको हम उठाकर ऊपर भी रख सकते हैं, ऐसे ही रख दिया जाता है नॉर्मली। लेकिन ये अगर मैं ऐसे रखती थी तो वो उल्टी साइड आ रहा था कपड़ा,
तो इसीलिए मैंने इस पर डोरी लगा दी। एक अलग से डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये डोरी लगाई हुई है कि मैं इसे उल्टा ना करूं, और ऐसे अगर बांध कर रखूंगी तो एक स्टाइलिश सी लुक आएगी इसमें। तो अगर आप चाहे तो इस डोर का कवर भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब माइक्रोवेव का कवर होता है वो ज़्यादातर ऊपर और साइड्स पर ही होता है, फ्रंट कवर नहीं होता। आप उसे भी स्किप कर सकते हैं। अगर कवर लगाना चाहते हो तो आप उसे नॉर्मली ऊपर फोल्ड करके भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे मेरी तरह एक स्टाइलिश डोरी बांधना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहे तो जैसे हमने फ्रिज के कवर पर भी पॉकेट लगाई हुई है, आप ऐसे इसकी साइड पर भी पॉकेट लगा सकते हैं। आपको आज की दोनों DIYs कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।